और बच्चों कैसे आप सब ठीक हो ना। तो आज हम लोग हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चालू था ऑलरेडी, मैंने बता दूँ हमारा टॉपिक चालू था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 4। ऑलरेडी 3 लेक्चर समय हमारे हो चुके हैं। जो आज वीडियो में पहली बार आए हैं तो जाके हमारे पिछले 3 वीडियो देख लीजिए, यह वीडियो आपको अच्छी तरह समझेगा तब है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दूँ आपको, मैं हमने टेकटॉक्स नाम का एक चैनल खोला है, ओके ओपन किया है, जिसमें टेक से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। ओके, तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप चैनल को विजिट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक देखो हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स। सम माने ऐड, सम माने ऐड, कौन चीज को, चीजों को हम ऐड कर रहे हैं। कितना, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म। सर्टेन नंबर ऑफ टर्म मतलब वो टर्म चार भी हो सकते हैं, हमने 5 टर्म को प्लस किया, 10 टर्म को प्लस किया, 15 टर्म को प्लस किया, ये पता नहीं है। बस ये पता है कुछ टर्म को हमने प्लस किया। और किसके टर्म को प्लस किया है, एक सीरीज है जिसका सीरीज आपको दिया हुआ है। तो सीरीज यहां लिख कर लेता हूं मैं, -8 -6 -4। ओके, अब आपको दिख रहा है कि ये एपी है। ओके, एपी बोला है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो अपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। हमने 10 टर्म को प्लस करके 52 लाया है। देखो ना, सम आपको दिया है 52। मैं यहां लिख लेता हूं सम यानी एस, एन मतलब क्या, कितने टर्म को प्लस किया हमको पता ही नहीं, क्योंकि अगर 5 टर्म को हम प्लस करेंगे तो S5 लिखेंगे, 10 टर्म को प्लस करेंगे तो S10 लिखेंगे, पर यहां अपने को नंबर ऑफ टर्म पता नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। सम कितना दिया है, 52। ओके, एन हमको क्या करना है, फाइंड, क्योंकि इसने बोला है नंबर ऑफ टर्म फाइंड करो। दूसरी चीज, इस सीके में देखो हमको ए की वैल्यू कितनी है, -8। फर्स्ट टर्म -8 है। अब हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, गैप। अब गैप मैंने कैसे बताया, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करो डी मिल जाएगा, या थर्ड को सेकेंड से माइनस करो। ओके, तो हम लोग सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करते हैं, तो -6 बीच में आ जाएगा, माइनस किससे माइनस करने का, -8 से, तो यहाँ हो जाएगा -8। तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा, -6 और ये +8, तुम्हारा वैल्यू हुआ 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -6 + 8 कितना हुआ 2। ओके, अब देखो सम दिया है, तो सम का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को दिया है, मैंने यहाँ लिखता हूँ जरा। सम का फॉर्मूला था SN बराबर N बाय 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लास्ट वीडियोस में, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ओके, फिलहाल स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो SN आपको दिया है 52, तो यहाँ पुट करता हूँ मैं 52। N फाइंड करना है तो N एज इट इज अपॉन में क्या है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, -8 इंटू -8 प्लस एन है नहीं हमारे पास, तो एन माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है, 2। ओके, यहां पर देखो 2 डिवाइड है, यहां पे जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना होता है, 104 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, एन बचा। 2 इंटू -8 होता है -16। अब देखो बीच में क्या है, प्लस, एन तो 1 से माइनस होता नहीं है, तो माइनस हम कर सकते नहीं, तो सिंपल एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 इंटू एन हो जाएगा 2n, 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 ब्रैकेट पर। ओके, अब यहां करते हैं सॉल्व हम लोग। नेक्स्ट देखो 104 एज इट इज बराबर n ब्रैकेट में, यहां देखो नंबर नंबर सॉल्व हो जाएगा, अल्फाबेट ऐसे ही रहेगा, तो इधर क्या है 2n, -16 -2 हो जाएगा -18। अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 104 बराबर n इंटू 2n हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n इंटू 18 हो जाएगा 18n। अब आप देख सकते हो इसमें इक्वेशन बन गया, एक तरह का इक्वेशन बन रहा है। आप लोग को पता होगा इक्वेशन में पहला टर्म हमेशा स्क्वायर का होता है, फिर सिर्फ पावर 1 का होता है, फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखो एक स्क्वायर है, ये पावर 1 का है और एक नंबर है, तो एक काम करो इसको उधर लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 0, उधर क्या है 2n स्क्वायर माइनस 18n, 104 उधर क्या, तो क्या बन जाएगा -104। अब आप देख सकते हो ये 2 से डिवाइड हो रहा है सारे के सारे, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया तो n स्क्वायर बचेगा माइनस, 2 से डिवाइड किया 9n बचेगा माइनस, 2 से डिवाइड किया 52 बराबर 0। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट करो आप, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था, 2 से डिवाइड कर दिया ये आ गया, 0 को भी 2 से डिवाइड किया पर 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 ही आया। ओके, और आ इक्वेशन का सवाल, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, चलता है ऐसे। नेक्स्ट सॉरी, अभी क्या होगा देखो,
इसका फैक्टर निकलेगा। अब फैक्टर निकलने आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके अपने को माइनस 52 चाहिए, ऐड या सबट्रैक्ट करके माइनस 9। तो सिंपल आपको दिख रहा है माइनस 13 प्लस 4, मैं लिख के दिखाता हूँ माइनस 13 प्लस 4। अगर माइनस 13 प्लस 4 करोगे तो माइनस 9 आएगा, और माइनस 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस 52। इतना आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए। ओके, तो हमारे दो फैक्टर हो गए, एक हो गया माइनस 13 और एक प्लस 4। तो सिंपल क्या करो, दोनों के आगे n लगा दो, क्या हो जाएगा n माइनस 13 n प्लस 4 इज इक्वल टू कितना दिया है 0। क्या के रिपीट करता हूं मैं, जो हमारा फैक्टर आया माइनस 13 प्लस 4 लिख देने का, दोनों के आगे n लगा देने का। n क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अंदर इक्वेशन के वेरिएबल क्या दिया है n दिया है। मान लो आपका इक्वेशन x वाला दिया रहेगा तो आगे x लगाने का, y वाला दिया है तो आगे y लगाने का। ओके, अभी 0 बांट दो तो क्या हो जाएगा बताओ, n माइनस 30 बराबर 0 और दूसरा n प्लस 4 बराबर 0। माइनस 13 वहां ले लो तो क्या बन जाएगा, n बराबर कितना आया प्लस 13। ओके, और प्लस 4 वहां गया तो ये हो जाएगा n की वैल्यू माइनस 4, जो कि इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब ये आंसर गलत है, कभी भी n की वैल्यू माइनस 4 नहीं होती। याद रखना, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, चाहे आगे जाके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आने वाला है उसमें हो, किसी में भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ कब यूज करते हैं हम लोग, क्वांटिटी में, नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ बनाना, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कुछ का क्वांटिटी में यूज करते हैं, और क्वांटिटी पता हो कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। तो यहां पर भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अंडरस्टूड, इतना कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लो। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहे देख लो, सिंपल, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म मतलब क्या, ए आपको कितना दिया है, फर्स्ट टर्म कितना दिया है माइनस 4। दूसरा लास्ट टर्म, अब कभी भी लास्ट टर्म को हम लोग, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में लेक्चर 1 में, कि उसको लास्ट टर्म को हम बोलते हैं टीएन। फर्स्ट टर्म को ए, लास्ट टर्म को टीएन। टीएन की वैल्यू कितनी, देखो फर्स्ट टर्म दिया है माइनस 4, लास्ट टर्म आपको दिया है 146। एक और चीज दिया है, जितने भी टर्म है देखो, पहला टर्म माइनस 4 है, दूसरा टर्म 146 है। अब इसके अंदर बहुत सारे टर्म होंगे, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, समझो और आएंगे माइनस 8, समझो माइनस 2, 1, 10, 11, 12, बहुत सारे टर्म आएंगे, उन सब को प्लस करने के बाद कितना सम आ रहा है 717। सो 7171, तो हमारा एस एन कितना दिया है 7171। बस अपने को एन की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ लिखा है फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म, जिससे पहले क्वेश्चन में था, लास्ट क्वेश्चन में सम दिया है, पर कितने टर्म को प्लस किया है वो नहीं पता, तो अपन एन के जगह एन ही रहने देंगे और एन अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ लिखता हूँ एन का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलो सेम फॉर्मूला, हाँ, एस एन बराबर एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये मैंने फॉर्मूला आपको दिया है। अब आप सुनते लो ध्यान से, एस एन का एक और फॉर्मूला है, एस एन का एक और फॉर्मूला है, मैंने को बताया नहीं, मैं अब बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं एन बाय टू ऐसे ही रहेगा, अंदर आ जाएगा टी वन प्लस टी एन। एस एन का फॉर्मूला है टी वन प्लस टी, ये भी एक फॉर्मूला है, आप लोग नोट डाउन कर लो बुक में। तो करना कैसे देखो, सिंपल, एस एन आपको दिया है कितना 717 बराबर, एन तो पता करना है, एन एज इट इज, टू एज इट इज, टी वन कितना है, देखो टी वन मतलब कौन, फर्स्ट टर्म, और ए का मतलब ही क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी टी वन की वैल्यू कितनी दी है माइनस 4। इधर आ जाएगा माइनस 4 प्लस टी एन की वैल्यू कितनी है 146। ओके, 717 बराबर एन अपॉन टू, देखो प्लस माइनस होगा माइनस, 146 में से 4 माइनस हो तो बचा 142, साइन किसकी आएगी, बड़े की, बड़ा क्या है प्लस। ओके, 2 से कटता है, 2 कितने जा 7 जा 14, 2 1 जा 2। ओके, तो यहां क्या बचा देखो, यहां क्या बचा 717 बराबर एन, एन इंटू क्या बचा 71, ये इंटू है प्लस नहीं है। ओके, 71 डिवाइड मल्टीप्लाई है, यहां के डिवाइड हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू क्या हुई 717 डिवाइड बाय 71। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा, एन की वैल्यू 101। कैसे आया मैं करके दिखाता हूं, 71 जीरो बचा, अब आया 7, अब 7 तो छोटा है 71 से, तो आगे कैरी हो जाएगा, तो 1 के पास जाएगा तो 71 बन जाएगा वापस से,
तो यहाँ 0 और यहाँ पर क्या आया 1। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले 71 वन जा कटा, यहाँ 71 वन जा 71 आ गया, ये दो डिजिट। अगला डिजिट आया 7, 7 तो छोटा है तो इधर आ जाएगा 0, तो 7 बच गया, 1 के पास गया 71, फिर से कितने जा 1 जा, तुम्हारा वैल्यू कितना आया 101। मतलब इन दोनों के बीच टोटल कितने टर्म थे 101 टर्म, टोटल कितने टर्म थे 101, जिनको प्लस करके कितना आया था 717 आया था। ओके इतना कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन देने के पहले मैं आपको बोल दूं, सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो ये। अब आप पूछोगे ये क्या चीज़ है, सुन लो, रीड करके दिखाता हूँ मैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन AP, A-D, A+D। ओके जैसे कि क्वेश्चन कभी भी आता है AP में कि फाइंड द 3 नंबर्स, 3 नंबर फाइंड करो AP में, कभी भी आता है 4 नंबर फाइंड करो AP में, 5 नंबर फाइंड करो AP में, बस तीनों में से कोई आएगा, ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा, फाइंड द 3 टर्म्स या फाइंड द 3 नंबर्स। तो कभी ऐसे केस में याद रखना, हमको जो भी टर्म फाइंड करने बोला है, जैसे कि 3 टर्म फाइंड करने बोला है, तो वहाँ पर हमको एज्यूम करना पड़ता है, 3 टर्म बोला तो इन तीनों का एज्यूम करने का, 4 टर्म बोला तो इन चारों का एज्यूम करने का, 5 टर्म बोला तो इन पाँचों का एज्यूम करने का, ये आपको फिक्स याद रखना है, बाय ऐड करना है। आपको बोला 3 टर्म फाइंड करो AP में कि इस तरह कुछ कंडीशन दिया आगे जाके, तो आपको ये टर्म करना है, 4 बोला तो ये करना है, 5 बोला तो ये करना है। ओके अब इस तरह का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इतना पहले कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। ओके क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि मैं आपको लिखने बोला एक चीज, अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। द सम ऑफ 3 इंटीजर्स, इंटीजर्स माने मतलब क्या है, नंबर्स। ओके इंटीजर पता होगा आपने पढ़ा है बेसिक्स, 3 इंटीजरों का सम कितना दिया है 15, AP की बात कर रहा है वो। द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन AP इज 15, 3 ऐसे नंबर है जिनका सम कितना आता है 15, एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन, और उनके तीनों का प्रोडक्ट कितना आता है 80। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, द सम ऑफ 3 जो 3 इंटीजर्स है उनका सम है 15 और प्रोडक्ट है 80, तो फाइंड द इंटीजर्स, हमको वो इंटीजर 3 इंटीजर की बात कर रहा है वो फाइंड करना है। तो बताया मैंने आपको क्या करना है, 3 चीज़ें फाइंड करने बोला, 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है तो एज्यूम करने का, तो सबसे पहले उसको एज्यूम कर देंगे, लेट A-D क्या लिख के दिया ना, देख लो एक बार, A-D A+D बी द 3 इंटीजर्स इन AP। ओके अब सब चीज़ क्वेश्चन में दिया है, तुम्हारा लिए आसान है, करना क्या है देखो, पहला बोला है तीनों का सम कितना है 15, तीनों मतलब इसका इसका इसका, तीनों का सम कितना आएगा 15, तो सम मतलब प्लस होता है, चलो प्लस करते हैं। पहला दिया है A-D प्लस, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ A-D प्लस, दूसरा क्या है A, फिर प्लस, फिर क्या है A+D, कितना दिया है 15, देख सकते हो -D+D कट गया तो ये कट गया, बचा A+A+A कितना हुआ 3A बराबर 15, तो A की वैल्यू क्या हुई 5, कैसे हुआ 3 1 3 5 जो काट दिया इसने। ओके नेक्स्ट केस क्या बोलता है, एंड दर प्रोडक्ट, देयर मतलब कौन, उन तीनों की ही बात कर रहा है वो, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन, चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, A-D इंटू A इंटू A+D कितना दिया है आपको 80। ओके अब सिंपल करना क्या है देखो, सबसे पहले देख लो ये A-D और A+D का फॉर्मूला बन रहा है, जैसे कि आपने पढ़ा है बचपन में A-B इंटू A+D क्या होता है A²-B², तो वैसे यहाँ पर A-D इंटू A+D क्या हो जाएगा A²-D², आप कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अरे घोचू लोग, ये दोनों मल्टीप्लाई करो अपनी मर्जी, इन दोनों किसको भी करो, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई क्योंकि इजी है, इनटू क्या बचा A बराबर कितना 80। ओके अभी करना क्या है सिंपल, देखो A की वैल्यू है ना आप लोग के पास, पुटअप कर दो, तो A² मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर -D² या इंटू A मतलब इंटू 5 बराबर कितना 80। ओके अब देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -D² इंटू, अब देखो 5 मल्टीप्लाई है वहाँ लेकर डिवाइड कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा बताओ 80/5 5 1 5 कितने जा 16 जाएगा, तो क्या बचा बताओ 25 -D² बराबर 16।
नंबर को नंबर के पास लेके जाओ। एक काम करो, माइनस डी स्क्वायर वहाँ गया तो क्या प्लस डी स्क्वायर, प्लस 16 यहाँ है तो क्या बन गया माइनस 16, यानी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 9, यानी डी की वैल्यू आई प्लस माइनस 3। हमेशा स्क्वायर की वैल्यू दो में आती है, एक प्लस और एक माइनस। ओके, आपने ऐसा खत्म नहीं हुआ, अपने को ए और डी नहीं फाइंड करने बोला था, अपने को बोला था वो तीनों इंटीजर फाइंड करो। तीनों मतलब कौन, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये तीनों फाइंड करना है अपने को। और तीनों कब मिलेगा अपने को, जब हमारे पास ए और डी दोनों की वैल्यू होगी। तो आ गया ना मुद्दे पे, अपने पास ए और डी दोनों की वैल्यू मिल गई तो अपन तीन इंटीजर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं कर करके देखते हैं। पहला अपने को फाइंड करना है ए माइनस डी। सबसे पहले देखो हमारे पास ए की वैल्यू एक ही है, फाइव, यहां लिखता हूं मैं। ए की वैल्यू कितनी है, फाइव। अब डी की वैल्यू दो है। ओके, तो आप कोई भी एक ले लो, पहले मैं एक लेता हूं। ए की वैल्यू फाइव, डी की वैल्यू पहले लेता हूं प्लस 3। और जब दूसरी बार सॉल्व करूंगा तो ए की वैल्यू तो वही लेंगे, ए की वैल्यू तो एक ही बार है, डी की वैल्यू चेंज कर देंगे, डी की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 3। तो अपने यहां पर दो आंसर बनेंगे, जैसे कि हस्बैंड एक है, वाइफ दो आई, तो एक हस्बैंड दो वाइफ, तो परिवार कितने बनेंगे, दो परिवार बनेंगे। ओके, तो एक बार ए के साथ इसके परिवार बनाएगा, एक बार ये इसके साथ यहाँ परिवार बनाएगा। ओके, पर आंसर सेम आने वाले हैं, डीएनए सबका सेम होने वाला है। तो कैसे करते हैं, देखो पहला टर्म ए माइनस डी, तो ए की वैल्यू कितनी है फाइव, माइनस डी की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर कितना होगा 2। यहाँ पर दूसरा क्या है ए, तो ए डायरेक्ट दिया अपने को 5। तीसरा क्या दिया है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, ए की वैल्यू 5 प्लस 3 कितना हुआ 8। तो अपने तीन टर्म कितने आए 2, 5, 8। अब ये भी वही आने वाला, याद रखना, कभी भी भले डी की वैल्यू 2 आया पर वो आंसर वही आएगा। चलो करके देखते हैं तुम्हारे लिए एक बार। ए माइनस डी, ए की वैल्यू कितनी है 5, बीच में है माइनस, डी की वैल्यू भी माइनस 3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, आंसर आया 8। अब आप बोलोगे सर आपका रॉन्ग आ गया, यहाँ तो 2 दिया है। दो मिनट सब्र करो, मालूम पड़ेगा आगे। नेक्स्ट है फिर से ए, तो ए की वैल्यू कितनी दी है 5। नेक्स्ट की वैल्यू ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है 5, बीच में प्लस, डी की वैल्यू क्या है माइनस 3, तो प्लस भाग जाएगा, प्लस भाग जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 3, आंसर आया तुम्हारा 2। अब देख सकते हो तीनों का आंसर सेम आया, बस आगे पीछे आया, एक है 258, एक है 852, वही है। लास्ट में लिख देना आपको 3 टर्म्स आर क्या 258, ये आपके तीन क्या हो गए टर्म हो गए। ओके, तो बच्चों हमारा एपी टू एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लेंगे अगला टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।